दोस्तों, क्या आपको पता है इंडिया में सिर्फ एक ही महीने में 80,000 से भी ज्यादा बच्चे कोविड से अफेक्ट हुए हैं। क्या कोविड का सेकेंड वेव सच में इतना हानिकारक है? इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आप पूरी तरह से समझ जाओगे। तो तैयार हो जाओ, ये है फैक्ट स्टार, जहां आपको मिलेंगे मजेदार फैक्ट्स लगातार। जैसे कि हम सबको पता है कि इंडिया में कोविड केसेस हद से ज्यादा बढ़ रहे हैं, जहां इंडिया में सिर्फ अप्रैल से फर्स्ट हाफ यानी पहले 15 दिनों में ही 20.65 लाख से भी ज्यादा केसेस सामने आए हैं। जब कोविड का फर्स्ट वेव आया था, तब लोकल म्यूटेशन वाले वायरस ने ज्यादा नुकसान नहीं किया था, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ये उतना डेंजरस नहीं था। लेकिन कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसी लोकल यानी होम ग्रोन वेरिएंट की वजह से लोग ज्यादा इन्फेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के 60% नए केसेस में यही इंडियन होम ग्रोन वेरिएंट पाया गया है। कोविड-19 की फर्स्ट वेव पूरे कंट्री में काफी वाइडली स्प्रेड हुई थी, और वहीं अगर हम सेकेंड वेव की बात करें तो ये वेव उतनी वाइडली स्प्रेड नहीं हुई है, लेकिन पहले से काफी ज्यादा इन्फेक्शियस है। कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहते हैं कि इंडिया के 40 डिस्ट्रिक्ट्स में अभी तक 50% केसेस कोविड के फर्स्ट वेव से ही लड़ रहे हैं। जब कोविड की पहली वेव पीक पे थी, यानी कि अगस्त और सितंबर 2020 में, तब इंडिया के 60-100 डिस्ट्रिक्ट्स में 75% केसेस रिपोर्ट हुए थे, और रीसेंट रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 20-40 डिस्ट्रिक्ट्स में ही 75 केसेस सेकेंड वेव से अफेक्ट हुए हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि क्या इससे यंग लोगों को ज्यादा खतरा है? कई एक्सपर्ट्स और चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी भी ये कहते हैं कि कोविड का सेकेंड वेव फर्स्ट वेव के मुकाबले ज्यादा इन्फेक्शियस साबित हुआ है, और इससे यंग लोगों को बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रहा है। दिसंबर 2020 में आए रिपोर्ट्स के अनुसार कोविड-19 से अफेक्ट हुए 65% पेशेंट्स 45 से कम उम्र के थे, और डेथ रेट ओल्डर लोगों में ही बहुत ज्यादा था, जो था 88%। कोविड के सेकंड वेव में भी महाराष्ट्र और कर्नाटका ने ये रिपोर्ट किया है कि 50% से ज्यादा इन्फेक्शंस 45 ईयर से कम उम्र के लोगों में ही पाए गए हैं। पर उसके पीछे भी कई रीजंस हैं। जो लोग ज्यादा ओल्डर थे, वो बाहर के बढ़ते केसेस देखकर घर पर ही रहते थे, और साथ ही उन्हें प्रायोरिटी ग्रुप में कंसिडर करके वैक्सीनेशन भी दिए गए थे। और वही यंग लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज की वजह से बहुत ज्यादा पब्लिक कॉन्टेक्ट में आ गए थे, और इसी वजह से केसेस बड़ी मात्रा में बढ़ गए। गवर्नमेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ 1 मार्च 2021 से लेकर 4 अप्रैल 2021 तक इंडिया में 80,000 बच्चे कोविड पॉजिटिव हुए थे, और उसी वजह से गवर्नमेंट ने यह डिक्लेयर किया है कि फर्स्ट ऑफ मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन चालू हो जाएगी। वैक्सीनेशन ड्राइव एक्सटेंड करने के लिए अब गवर्नमेंट ने अपनी वैक्सीन पॉलिसी मॉडिफाई की है, जहां अब फॉरेन डेवलपर्स और मैन्युफैक्चरर्स को इंडियन मार्केट में एंट्री अलाउ की गई है। चलो, इससे वायरस तो क्योर हो जाएगा, लेकिन क्या हो अगर मैं ये कहूँ कि कोरोना वायरस की थर्ड और फोर्थ वेव भी आने वाली है? तो जी हाँ, आज हमारे कंट्री की कोविड-19 सिचुएशन कोविड के थर्ड वेव को बुलावा दे रही है। इसका अभी तक कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस तो नहीं मिला है, लेकिन ऐसे कहा गया है कि इस थर्ड वेव में वैक्सीन भी काम नहीं करेगी। जैसे कि कोविड का न्यू वेरिएंट B.1.1.7 म्यूटेशन यूके में डिटेक्ट हुआ था, क्या पता वैसे ही कोरोना वायरस के और भी म्यूटेशंस जन्म ले। इसीलिए अब इस चीज का ध्यान रखते हुए बहुत से कंट्रीज ने फिर से लॉकडाउन इंट्रोड्यूस करना शुरू किया है। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि दिल्ली, मुंबई, पुणे और इससे बहुत से सिटीज कोविड के थर्ड और फोर्थ स्टेज पर है। पहला स्टेज जिसमें ये इंडिविजुअली इन्फेक्शन स्प्रेड हुआ था, दूसरा स्टेज जहां लोकल ट्रांसमिशन के थ्रू ये वायरस स्प्रेड हो रहा था, तीसरा स्टेज जहां हेल्थ प्रोफेशनल ट्रेस ही नहीं कर पा रहे कि ये इन्फेक्शन का सोर्स क्या है, और उसके बाद आता है चौथा स्टेज जिसमें पैंडेमिक अनकंट्रोलेबल हो जाता है। पूरे वर्ल्ड में अभी तक कोविड की वजह से 3 मिलियन से भी ज्यादा लोगों की जान चली गई है। कोरोना वायरस का रिपीटेड म्यूटेशन आज बहुत बड़ा कंसर्न बन चुका है, और अभी कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ये पैंडेमिक कितने दिन तक चलने वाला है। तो बेहतर यही होगा कि हम अभी से ही सेफ रहे, ज्यादा पब्लिक कॉन्टेक्ट में ना आए, और अगर आप 18 साल से ज्यादा उम्र के हैं, तो जल्दी से वैक्सीन भी ले लें।